नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल एक बार फिर आप सभी के साथ कुछ नए काउंटर्स के रिव्यू करने जा रहा हूँ। और इन काउंटर्स में आप लोग अपनी नज़र को बना के रखिएगा, समझिएगा कि क्या लेबल्स रहने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं बहुत समय से ये नोटिस कर रहा हूँ और मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि लोग स्टॉप लॉसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं। मीन्स वो स्टॉप लॉसेस लगाते ही नहीं है, आदर शॉर्ट टर्म के लिए हो या फिर मीडियम टर्म के या लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए, स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, आप एक बहुत छोटी सी बातों पर समझ लीजिए। स्टॉप लॉस ब्रेक होने का मतलब होता है काउंटर में वीकनेस आ गई, यानी कि अब बिकवाली आएगी। जब बिकवाली आएगी तो ऑब्वियसली बात है कि प्राइस डाउन जाएगा। छोटी अवधि में छोटा स्टॉप लॉस होता है, मध्यम अवधि में थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस होता है, लॉन्ग टर्म में उससे भी बड़ा स्टॉप लॉस होता है। बट स्टॉप लॉसेस सबके होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 1000 रुपये का काउंटर ख़रीदा और आपने जो है वो उस काउंटर में कहा कि भाई वो 80 रुपये तक आ जाए और हम रुके रहेंगे। आप देख सकते हैं 8K माइल्स का क्या सिचुएशन रहा है। 8K माइल्स 1100 रुपीज़ का स्टॉक था, जिन लोगों ने स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया उनको 80 रुपये तक देखने को मिला। तो ऐसा नहीं हो सकता, आप काउंटर को लेके भूल नहीं सकते, आपको कंटिन्यूसली तो वॉच करना पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो आपको लगभग जो अपना नजरिया है वो हर क्वार्टरली नंबर को देखना चाहिए। जब भी क्वार्टर नंबर आए तो आपको अपने स्टॉक को रीअसेस करना चाहिए, रीअनालाइज करना चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगे कि हाँ भाई अब हम इस काउंटर के अंदर रुक सकते हैं, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं या वीकनेस आ रही है, बिजनेस स्लो हो रहा है, उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर सकते हैं। खैर, तो आज हम 3 स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, CG पावर, क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स पावर। काउंटर इज बिजनेस बहुत बढ़िया है काउंटर का, पावर सेक्टर का काउंटर है। बट मुझे लगता है कि अभी इस काउंटर में स्टिल वीकनेस है, स्टिल अभी रहेगा। क्योंकि जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन है, टॉप लाइन तो ग्रो कर रहा है बट जो बॉटम लाइन है वहाँ पर कंपनी कंटिन्यूसली लॉसेस डिक्लेयर कर रही है। ठीक है, सो अभी हमें FY19 का नंबर देखना पड़ेगा कि FY19 में कंपनी किस तरह के नंबर्स पोस्ट कर रही है। सो टिल FY19 मार्च 2019 मुझे लगता है कि काउंटर स्टिल यहीं कहीं आसपास ट्रेड करेगा अपने करंट प्राइस के। और अभी फ़िलहाल 39.45 का प्राइस है CG पावर का, 3% अप है। आप लोग अगर होल्ड कर सकते हैं इस काउंटर को, थोड़ा लंबी अवधि में रिस्क ले सकते हैं। अगर आप लोग काफ़ी टाइम से होल्ड किए तो मैं आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा और टाइम आप होल्ड कीजिए काउंटर को। और मुझे लगता है कि काउंटर में तेज़ी की उम्मीद बनेगी, बट फिलहाल करेक्शन भी अभी आएगा ज़रूर। ऐसा नहीं कि अभी करेक्शन नहीं आएगा, बट अभी करेक्शन आएगा। लॉन्ग टर्म में आप इस काउंटर को रखिएगा। शॉर्ट टर्म में जो आपका पहला स्टॉप लॉस रहेगा इस काउंटर के साथ वो तकरीबन रहेगा 36 रुपीज़ का, यानी कि अगर डेली चार्ट पे 36 रुपीज़ के नीचे की क्लोजिंग आती है तो आपको नेक्स्ट ये 32-31 की रेंज के आसपास भी दिखाई दे सकता है। सो इन लेबल्स को इग्नोर मत कीजिएगा, इन लेबल्स के साथ चलिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं लंबी मध्यम अवधि के लिए बात करते हैं तो 33 रुपीज़ इसका मजबूत सपोर्टेबल रहेगा। और मुझे लगता है कि आप लोग लगभग 30 रुपीज़ के एग्जिट स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर में बने रह सकते हैं। यहाँ से 9 रुपये का लॉस है और 9 रुपीज़ के लॉस के साथ अगर आप इस काउंटर में बने रहते हैं तो आगे आने वाले टाइम में आपको काफ़ी बेहतर मुनाफे हो सकते हैं इस काउंटर के अंदर। सो दोस्तों, ये हमने CG पावर के बारे में बात किया। 9 रुपीज़ का एग्जिट स्टॉप लॉस बनाइएगा आप, लगभग 30 रुपीज़, यहाँ से 9 रुपीज़ 40 पैसा नीचे है। ओके, एंड फॉर द टारगेट ऑफ 50 रुपीज़ इन द कमिंग 9 to 12 मंथ एटलीस्ट आप मान के चलिएगा कि ये लगभग 50 से 70 रुपीज़ की रेंज में अगले 12 से 15 महीने के अंदर जा सकता है। बट FY19 के जो नंबर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे इस काउंटर की चाल को। ठीक है, इसके अलावा हम लोग रेन इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। ऑलमोस्ट रेन इंडस्ट्री दिसंबर में अपने फाइनेंशियल नंबर डिक्लेयर कर दिए, और अगर हम 9 मंथली बात करें तो अभी जो सितंबर क्वार्टर तक नंबर आ चुके हैं वो काफ़ी मतलब फैंटास्टिक नंबर्स कंपनी ने कंसोलिडेटेड जो नंबर्स पोस्ट किए हैं वो फैंटास्टिक नंबर्स हैं। 3 टाइम्स जो बॉटम लाइन है यानी कि नेट प्रॉफिट है वो 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया है। यानी कि लास्ट ईयर सितंबर की जो 9 मंथली थी उसमें कंपनी ने लगभग 350 से 400 के बीच में प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, जबकि इस वर्ष कंपनी ने लगभग 1100 रुपीज़ के आसपास, यानी 1100 करोड़ के आसपास का 1100 करोड़ के आसपास का कंपनी ने प्रॉफिट डिक्लेयर किया था। आप समझ सकते हैं 350 करोड़ से बढ़ के 1100 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का आ चुका है। सो फंडामेंटल्स में या अगर आप कंसोलिडेटेड ग्राउंड पर बात करेंगे तो जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन है वो ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है। बट कहीं ना कहीं काउंटर में वीकनेस है, क्योंकि इस जो सेक्टर के जो काउंटर्स हैं जहाँ पर ग्रेफाइट इंडिया हो गया, हैग हो गया या रेन इंडस्ट्रीज़ हो गया या HSCL हो गया, ये सभी काउंटर्स कहीं ना कहीं भी कंसोलिडेशन जोन में चल रहे हैं। और स्टिल मुझे लगता है कि अगर हम रेन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो
मुझे तकरीबन 120-122 तक का लेबल इस काउंटर के अंदर नज़र आता हुआ दिखाई देता है। तो अगर 115-120 के बीच का भी अगर इस काउंटर के अंदर प्राइस आता है तो वहाँ पर आपके लिए फ्रेश पोजीशन बनाने का सबसे अच्छा मौका होगा, क्योंकि वहाँ से आपके स्टॉप लॉसेस बहुत मिनिमल होंगे। जिन लोगों के पास पोजीशन अभी बनी हुई है, मैं उनसे यही कहूँगा, दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों ने हाई प्राइस पर ख़रीदा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने 300 और 400 की रेंज में इसको ख़रीदा होगा, एंड मुझे अभी भी याद है मेरे टेलीग्राम का एक मेरे फ्रेंड है जो कि रेन इंडस्ट्री पे काफ़ी फोकस कर रहे थे, मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोला था जब तक रेन इंडस्ट्री 400 प्लस की क्लोजिंग नहीं देता है आपको पोजीशन क्रिएट नहीं कर रही है। एंड आई कैन शो यू दैट मैसेज मल्टी टाइम्स, जो कि मैंने बोला था, इवन मैंने जब भी रेन इंडस्ट्री के ऊपर रिव्यू वीडियो बनाया, जब भी मैंने रिव्यू वीडियो डाला उसमें भी मैंने आप सभी को स्ट्रिक्टली बोला कि रेन इंडस्ट्री का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो 400 रुपीज़ का, यानी कि 400 के ऊपर की जब तक क्लोजिंग नहीं आती तब तक रेन इंडस्ट्री ऊपर नहीं जाएगा और चांसेस नीचे गिरने के रहेंगे। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल अगर मैं मंथली चार्ट पे बात करता हूँ दोस्तों, सो मंथली चार्ट पे फिलहाल वीकनेस है। आप RSI को भी देख सकते हैं, डाउनवर्ड मूव है। आप कैंडल्स देख सकते हैं, इस महीने की जो कैंडल थी वो ज़बरदस्त रेड कैंडल बनी है, जो कि बियरिश एनगल्फिंग कैंडल कहलाती है, और यहाँ से अभी मुझे लगभग 115-117 रुपये का लेवल स्टिल आई बिलीव कि आना चाहिए काउंटर के अंदर, और 115-117 का जो 115 का जो लेवल रहेगा वो एक अच्छा और मजबूत सपोर्ट जोन हो सकता है रेन इंडस्ट्री के लिए। और वहाँ से हमें जब दिसंबर क्वार्टरली के नंबर्स जाएंगे, दिसंबर क्वार्टर के नंबर आएंगे, तो उस वक्त फाइनेंशियल ईयर जो इनका एंड होता है, क्योंकि रेन इंडस्ट्री का जो फाइनेंशियल ईयर है वो दिसंबर टू दिसंबर चलता है, सो दिसंबर 18 के नंबर जब आएंगे तो फाइनेंशियल ईयर के, तब वहाँ से काउंटर अपनी सही डायरेक्शन बनाएगा। डिपेंड करेगा कि वहाँ से काउंटर क्या पोजीशन बना रहा है, बट मुझे लगता है वहाँ से काउंटर में एक अपसाइड पोटेंशियल स्टार्ट हो सकता है। सो 115 विल बी द नेक्स्ट टारगेट, 115-120 कुछ आगे पीछे हो सकता है, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं हो सकती कि अगर मैंने कहा 115 रुपीज़ 50 पैसा तो वहीं पर आए, हो सकता है 117 तक आए, हो सकता है 110 तक आए, हो सकता है 120 से रिवर्स हो जाए, बट द पॉसिबिलिटीज आर द रेंज बिटवीन द 115-125 इज द मोस्ट पॉसिबल रेंज इन द रेन इंडस्ट्री इन द कमिंग वीक्स। ओके, इसके अलावा बंसाली इंजीनियरिंग, ये पेट्रोकेमिकल काउंटर है दोस्तों, अभी लगभग 73.9 के रेट पे चल रहा है, 2.7% अप है काउंटर। फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल प्रॉब्लम है जो कि जून से सितंबर तिमाही रही थी, उस तिमाही में इनका जो इनपुट कॉस्ट था वो क्रूड की वजह से और रुपी डेप्रिसिएशन होने की वजह से काफ़ी बढ़ गया था, और वहाँ पर इनका जो प्रॉफिट मार्जिन थे वो काफ़ी गिर गए। जितने भी ऑयल सेक्टर, पेट्रोकेमिकल और केमिकल सेक्टर थे, मैंने बहुत बार आपको बोला, उनका जो गिरने का जो मेन कॉज था वो था क्रूड का दाम और प्लस यू नो हाईली डेप्रिशिएटेड करेंसी। सो ये दोनों ही रीजंस बने, बट मुझे लगता है कि अब यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट मुझे नहीं लगती। अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं आया तो यहाँ पर जो सपोर्ट लेना चाहिए वो लगभग 68 रुपीज़ विल बी द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल इन द बंसाली इंजीनियरिंग। तो 68 रुपये का आप पहला सपोर्ट बना के रखिएगा वीकली चार्ट पर एटलीस्ट, और मंथली चार्ट पर, शॉर्ट टर्म की हम लोग बात नहीं करेंगे, फ्लक्चुएशंस तो आ सकते हैं, फ्लक्चुएशन की कोई गारंटी नहीं होती है। जैसे कि हमने कल देखा येस बैंक के अंदर कि काउंटर ने जब ओपन हुआ उसके बाद 147 तक वो फ्लक्चुएट होकर नीचे गया, बट आज ही काउंटर लगभग 170-167 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो ये डेली फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, बट वीकली और मंथली चार्ट पर जब क्लोजिंग आती है तो वो एक कंसिस्टेंट व्यू बताता है कि काउंटर किस डायरेक्शन में चल रहा है। सो 68 विल बी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ऑन द वीकली चार्ट। 68-67 आप रख सकते हैं वीकली चार्ट पर, 67 को रखिएगा, 67 विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल इन द वीकली चार्ट और मंथली चार्ट इन द बंसाली इंजीनियरिंग। और अगर आपका 67 टूटा देन दोस्तों फिर मैं ये कहूँगा कि बिलो 50 रुपीज़ ये काउंटर जा सकता है। तो 67 को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर उसको इग्नोर किया आपने तो आपको 50 रुपये या उससे नीचे के लेवल भी बंसाली इंजीनियरिंग में देखने को मिल सकते हैं। बट जब तक ये 67-68 के लेवल को होल्ड कर रहा है तब तक मैं आपको बेचने की सलाह भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो कभी भी आपको 20% का सर्किट इन ए डे दिखा सकता है। सो दोस्तों ये हमने बात की तीन स्टॉक्स के बारे में, CG पावर, बंसाली इंजीनियरिंग और रेन इंडस्ट्रीज, तीनों ही काउंटर्स अपने आप में डिफरेंट स्कोप रखते हैं, और मैं यही कहूँगा कि तीनों ही काउंटर को आप एग्जिट स्टॉप लॉस के साथ स्टिल होल्ड कीजिए, बिलीव कीजिए। मार्केट में अभी एक वीकनेस बनी हुई है, अभी आपको शॉर्ट टर्म में जो तेज़ी दिखाई दे रही है वो एक परमानेंट
तेजी नहीं है, यहाँ से कंसोलिडेशन भी आएगा। ये प्री रिजल्ट जो कि 5 स्टेट्स के इलेक्शन हैं उनके जो नंबर्स आने वाले हैं 10 दिसंबर या 11 दिसंबर तक, उससे पहले ये प्री इलेक्शन रिजल्ट की जो रैली होती है हम उसको मान सकते हैं उस चीज़ को ये, और अभी ये कुछ दिन और कंटिन्यू भी रह सकती है, बट अभी हम इसको बुलिश ट्रेंड नहीं कह सकते। तो दोस्तों सावधान रहें, होशियार रहें, कमाएं पैसा, ऐसा नहीं है डरे नहीं। देखिए अगर डरेंगे तो फिर स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है, क्योंकि डेयरिंग पीपल जो भी डेयरिंग लोग होते हैं केवल मार्केट होने के लिए है। जो लोग डरपोक हैं, जिन लोगों को लगता है कि उनका एक रुपये का भी नुकसान ना हो सिर्फ मुनाफे हो, वो सभी उन सभी को यही सलाह रहेगी दोस्तों आप लोगों को बड़े धक्के लग सकते हैं, आप लोग परेशानी में आ सकते हैं, तो आप लोग स्टॉक मार्केट से दूर रहें। जो लोग सोचते हैं कि अगर मुनाफा कमाना है तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा, वो लोग मार्केट में बने रहें, जुड़े रहें, क्योंकि आने वाले 2 से 3 सालों में मार्केट आपको नई ऊंचाइयों पर दिखाई देगा और आपके पैसे मल्टीफोल्ड में भी बना के दिखाएगा। तो उस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपनी एनालिसिस करेंगे प्रॉपरली, हम अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, नमस्कार।